तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर BSNL का सिम इस्तेमाल करते हो तो आपका यहाँ पे चार्ज बढ़ने वाला है, आपकी जेब ढीली होने वाली है 10 से 15% तक। मान के चलो अगर आप 100 रुपये का रिचार्ज करवाते थे तो अब आपको यहाँ पे 110 या फिर 115 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे आखिर ये चार्ज कब से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 दिसंबर 2019 से ये चार्ज बढ़ने वाला है। अब आखिर क्यों बढ़ रहा है चार्ज, सारी चीज़ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो मैं वो फिरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब से जियो ने 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से चार्ज करने लगा है, उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों में हड़कंप मच गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को 74,000 करोड़ रुपये का बकाया जमा करना है, AGR फीस जो होता है, और उसके बाद कंपनी को जो देना होता है लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम फीस, तो यहाँ पे तमाम सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी को। और यहाँ पे नेटवर्क लगाना और भी सारी चीज़ें होती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें कंपनी पे लोड पड़ता है, और हमें वो इतने सस्ते में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो एक सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा है कि हर एक आदमी 10 GB का इंटरनेट हर महीने यूज़ कर रहा है, और उसका चार्ज हम दे रहे हैं केवल 75 रुपये, और कंपनी का खर्चा आ रहा है 100 रुपये। इसमें हर महीने 25 रुपये कंपनी का नुकसान हो रहा है एक आदमी के पीछे, और इसमें कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए यहाँ पे चार्ज बढ़ने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी सर्विस देने वाले हैं कंपनी, नेटवर्क इंप्रूव करने वाले हैं। अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो यहाँ पे एक नेटवर्क पे करीब 3,500 लोग का लोड चल रहा है, और ये कम करना चाह रही है कंपनी, और भी ज़्यादा नेटवर्क लगाना चाह रही है जिससे हमारी नेट स्पीड बढ़ सके और हमारी कम्युनिकेशन जो है, बात करने की यहाँ पे दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन ही नहीं लगता या फिर बीच बीच में कट हो जाता है, क्योंकि ओवरलोड होता है तो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, और इसी की वजह से चार्ज बढ़ने वाले हैं। कंपनियां ये चाह रही हैं कि हम और भी पैसा इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर, और भी टावर लगाएं, अपनी सर्विसें बढ़ाएं, तो इसी के लिए ये चार्ज कर रही हैं 10 से 15%, जिससे क्या होगा कि उनका लॉस भी कम होगा और यहाँ पे साथ में हमें अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि ये कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ पे चार्ज बढ़ने वाला है 10 से 15%। अब आप सोच रहे होंगे कि जियो क्यों बढ़ा रहा है, इसका उसमें नुकसान कम है क्योंकि उसे 7 करोड़ रुपए ही देने। अब जियो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि जियो ने बताया कि यहाँ पे ट्राई के नियमों के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अगर सारी कंपनियाँ चार्ज बढ़ा रही हैं तो उन्हें भी बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाती हैं तो और भी जो कस्टमर हैं, जो कि यहाँ पे यूज़र हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फिर जियो के पास, और जियो का और ज़्यादा नेटवर्क बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कंपनी जो है दूसरी बैठी नहीं रहेगी, वो भी वहाँ पे शिकायत करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, अगर इस तरह से कंपटीशन चल रहा है तो हमारा फ़ायदा है, अगर और भी कंपनी बंद हो जाती है, अगर यहाँ पे मोनोपोली होती है तो फिर हमें दिक्कत होगा। क्योंकि अगर मान के चलो सभी कंपनी बंद हो जाती है, केवल जियो ही चलता है, फिर वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जियो अगर बोलेगा हम 5 रुपये पर मिनट के हिसाब से बात करवाएंगे, तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आप क्या सोचते हो इस बारे में हमें कमेंट करके बता देना। उम्मीद करता हूँ आपको सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा क्यों बढ़ने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।